नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात हो रही थी कि क्या आर्थिक तौर पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कुछ रहमो करम रखेंगे देश की जनता पर, क्या ब्याज दरों में किसी तरह की कोई कटौती होगी, क्या किसी तरह का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा आरबीआई की तरफ से, क्या कुछ ऐसा सामने निकल कर आएगा जो अर्थतंत्र को थोड़ा और मजबूत कर सके इस लिहाज से कि लोग जो है वो बाजार में पैसा लाएं, क्योंकि इस वक्त पे कोरोना काल के दौरान हुआ क्या कि मार्केट में जो है कैश फ्लो जो है वो पूरी तरह से खत्म होने लगा। आपने अक्सर देखा होगा कि चीज़ें जो है जब उनकी सप्लाई उस हिसाब से नहीं होती और उनकी डिमांड भी नहीं बनती तो इसी तरह के आंकड़े सामने निकल कर आते हैं, जिसमें हम ये सब देखते हैं कि इसका जो असर है वो आरबीआई की पॉलिसीज तक पर पड़ता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आता है। अब जबकि कोविड का क्राइसिस था, लोगों की जेब पे वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ है नहीं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैश मैं बात कर रहा हूँ, कि पैसे को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त पे कॉन्फिडेंट है नहीं, बाजार पर, अर्थव्यवस्था पर, शेयर बाजार में भी किसी तरह का भरोसा लोग बहुत आसानी से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में लोगों को ये उम्मीद थी कि आरबीआई जब इस बार ब्याज दरों का जिक्र करेगा तो कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होंगे, लेकिन लगातार तीसरी बार प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो को 4% पर बरकरार रखा गया है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी जेब से इस वक्त पे भी जितने पैसे लोन को लेकर क्लेम करने पड़ते थे उतने ही आपको इस वक्त पर भी देने पड़ेंगे, उस पर किसी तरह की कोई कटौती आरबीआई की तरफ से नहीं आई है। और आरबीआई जो दर तय करता है वही, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बैंक हो, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, सबको उन्हीं तरह से अपनी जो स्कीम्स हैं उसको लागू करना पड़ता है, लेकिन बोझ हर तरफ है। इस वजह से आरबीआई ने इस पर किसी तरह का कोई डिक्लाइनमेंट शो नहीं किया है। शक्तिकांत दास ने चालू वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था को 7.5% गिरावट का अनुमान भी जताया है और शक्तिकांत दास ने यह भी कहा है कि रिजर्व बैंक वित्तीय प्रणाली में जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसको लेकर के किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी गई है, जैसा मैंने पहले भी कहा। इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक 2019 और 2020 के लिए लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे, यानी जितना भी उन्हें प्रॉफिट हुआ होगा उस चीज़ को लेकर उनका ये क्लेम है। इसके अलावा सर्दियों में महंगाई दर में कमी आने की उम्मीद भी उन्होंने बताई है। द रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2021 इज प्रोजेक्टेड एट -7.5 एंड द ब्रेकअप वुड बी एज फॉलोज। द फर्स्ट टू क्वार्टर्स आर ऑलरेडी नोन एंड फॉर Q3 वी आर प्रोजेक्टिंग +0.1% एंड फॉर Q4 वी आर प्रोजेक्टिंग +0.7% in as I said in the Q4. So in other words, the H2 is expected to show positive growth, and the projection for the H1 of next year, that is 2021, is projected at 21.9% to 6.5%. The RBI will persevere with its paramount objective of reviving the economy with some additional measures in order to enhance liquidity support to targeted sectors having linkages to other sectors, deepen financial markets, conserve capital among banks and NBFCs through regulatory initiatives, strengthen supervision through strengthening audit functions, facilitate external trade by improving ease of doing business for exporters, and upgrade payment system services so as to expand financial inclusion and improve customer service. So ye to abhi वो बातें हैं जो हाइपोथेटिकल हैं, मतलब भविष्य को लेकर कही गई हैं, लेकिन फिलहाल अभी की खबर यही है कि 4% पर भी रहने वाला है क्लेम लोन और उस पर किसी तरह की कोई कटौती नहीं है। बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, खासतौर पर बिजनेस से जुड़े लोग, खासतौर पर जो सेमी जिसे कहते हैं हम लघु उद्योग, इसके अलावा जो FMCG प्रोडक्ट्स पर डील करते हैं यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमरेबल गुड्स जिनका हम अपने दैनिक दिनों में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, उन सारी चीज़ों पर उन बिजनेसेस से जुड़े लोगों को इसका बहुत इंतज़ार था, लेकिन इंतज़ार अभी और लंबा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।